दुनिया में कई किस्म के पर्यटक हैं। कुछ लोग चिकित्सा के लिए पर्यटन करते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए करते हैं, कुछ पर्यटन पर्यटन की दृष्टि से करते हैं। वो राजनीति के क्षेत्र के अद्भुत पर्यटक हैं। अपने बयानों से वो खुद को खुश करने के सिवाय आज तक उन्होंने क्या किया है, ये भी बिहार को उनको बताना चाहिए। जिस समय लोग जल जमाव से पीड़ित हैं, उस समय उनका ठिकाना कोई नहीं बता सकता है वो कहाँ है। जिस समय चमकी से बच्चे जूझ रहे हो, उस समय वो कहाँ है किसी को पता नहीं होगा। उनके पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में उनकी अनुपस्थिति अगर है तो उनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अभी उन्होंने एहसान जताया कि जल जमाव में हमारी पार्टी तो काम कर ही रही थी, फिर उनका मतलब क्या है? तो इनके घूमने फिरने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा बिहार की सियासत। 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और हम 5 के 5 सीट जीतेंगे। जहां से उन्होंने शुरुआत की है, उन्हें कुछ गलतफहमी है, वो भी इस चुनाव में दूर हो जाएगी। वो सीट भी हम बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। अभी आप लोगों का ज्वाइंट जो चुनाव प्रचार का कोई प्रोग्राम बना है कि नहीं बना है कि बीजेपी और जेटीवी सब मिलकर के 5 देखिए, अब कार्यक्रमों की आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। इतनी बात तय है कि हमारे नेता या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होंगे, लोजपा एक सीट पर यहाँ लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे। अब वो साझा चुनाव प्रचार का अगर कोई कार्यक्रम बनता है तो आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होगी। क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए जो इलेक्शन हो रहा है प्रतिष्ठा ऐसी अग्नि परीक्षाओं से नीतीश कुमार जी कई बार निकले हैं और जनता का बेपनाह प्यार उन्हें हर बार मिला है। हम आश्वस्त हैं ये नतीजे हम लोगों के पक्ष में होंगे। हर चुनाव नया होता है। विधानसभा के चुनाव 2020 में जब होंगे, 2019 के उपचुनाव होंगे, इन कभी कोई चुनाव किसी अगले चुनाव का कोई संकेतक नहीं होता है। लेकिन हर चुनाव को एक महत्वपूर्ण अवसर हम मानते हैं और जनता के बीच चूंकि हमारी पार्टी बराबर रही है, हमारे गठबंधन के लोग काम करते रहे हैं, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि ये बेहतर नतीजे के साथ चुनाव संपन्न होंगे। बीजेपी के सुब्रमण्य स्वामी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में बिहार में बीजेपी है, तो क्या लगता है कि 3 में है कि 13 में है? उनकी पार्टी उनको नेता मानती ही नहीं है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है संयमित रहने के लिए, उन्होंने नसीहत भी दी है। अब इसके बाद कोई बयान दे रहा है तो उस बयान के साथ कितने लोग खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को मैंने आधिकारिक तौर पर बोलते हुए सुना है कि उनके निजी और व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जितना वो दुरुपयोग कर सकते हैं वो समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के नेता हैं और हर बार उनके नेतृत्व में, चाहे वो जिस गठबंधन के चेहरा रहे हो, उसको जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए इस तरह के किसी भी सवाल का कोई औचित्य नहीं। क्या लगता है कि बीजेपी और जेडीयू में जो कुछ दिनों से संघर्ष चल रहा था, उसका संघर्ष विराम हो गया है, उस लड़ाई का अंत हो गया है? इसमें बीजेपी और जेडीयू कहाँ जाती है? बीजेपी का अर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह जी हैं, बिहार में संजय जायसवाल जी हैं, सुशील कुमार मोदी जी हैं। गठबंधन शीर्ष नेतृत्व और जनता के आशीर्वाद से चलता है। जहाँ इक्के दुक्के असहमति के बयान आते हैं, उन बयानों को लेकर के आप अगर गठबंधन में पार्टियों की आधिकारिक राय समझ रहे हैं तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी है। ऐसे विश्लेषण का कोई औचित्य नहीं है और यह गठबंधन बेहतर तरीके से जो चुनौतियां हैं सामने उनको अवसर में बदलने में सक्षम। लेकिन बीजेपी के 2-3 नेताओं के बयान के बाद तो पूरी जेडीयू असहज हो गई थी। आप लोगों ने उनके बयान को के काट के लिए नेताओं की फौज उतार दी थी, मंत्री से लेकर के प्रवक्ता तक लगातार, यहाँ तक कि आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगा नहीं था कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है। मैंने आपको कहा हमारे लोगों ने कोई
ताबड़तोड़ कोई हमला नहीं किया, कोई पलटवार नहीं किया, ये एक आम तौर पर एक राजनीतिक दल का ये कार्यप्रणाली आप कह सकते हैं कि अगर किसी तरीके का बयान जो गठबंधन के पैनापन को कुंद करे तो हम लोग उस सवाल पर अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन किसी एक नेता को टारगेट करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। जनता जिस अलायंस को आशीर्वाद देती है और जिस अलायंस के चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, तो मुझे लगता है एक दो लोगों के विरोधाभासी बयानों से कोई सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शिवानंद तिवारी तो कहते हैं कि गिरिराज सिंह बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। शिवानंद जी को ये भी याद नहीं होता है कि सुबह में क्या बोलते हैं और शाम में क्या बोलते हैं। कभी वो आमंत्रण हम लोगों को देते दिखते हैं, कभी वो दावा करते हैं उनकी बात हो गई है, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं। देखिए, उनकी बदहवासी और जो बदहाली है उसको कहीं ना कहीं सत्ता की जो अतृप्त लिप्सा है उसे जोड़ करके देख लीजिए तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत बेचैन है और जब भी कोई अवसर करीब होता है उनकी बेचैनी मुखर होने लगती है, तो कभी भी उनकी पार्टी भी उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस भी कर रही है कि ऑफर उनकी तरफ से ऑफर आ रहा है। यही तो नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व तो है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि राजनीतिक तौर पर हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी का विराट व्यक्तित्व तो सबको सहज आकर्षित करता है। उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय तत्व है जिससे सब लोग कहीं ना कहीं खुद को सम्मोहित महसूस करते हैं, लेकिन हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। हम गठबंधन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। 17 वर्ष हमने शानदार तरीके से पहली पारी में काम किया है और ये पारी एक बार फिर बिहार को एक नई ऊंचाई देने के लिए हम साथ मिलकर के पूरा करें।